नालंदा के इस्लामपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने गई पुलिस टीम पे लोगों ने पथराव कर दिया। दरअसल इस्लामपुर के हनुमानगढ़ी इलाके में महायज्ञ चल रहा था और कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार बिहार में सामने आ रहे थे और उसको देखते हुए संक्रमण फैले नहीं, इसको लेकर पुलिस ने महायज्ञ को बंद करा दिया। लेकिन लोगों ने पुलिस के इस फैसले को, राज्य सरकार के फैसले को दरकिनार कर दिया और मेले का आयोजन हुआ। जब पुलिस मेले को बंद कराने पहुंची तो लोगों ने पुलिस टीम पे पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई और ग्रामीणों ने पुलिस को मेले से खदेड़ कर भगा दिया। इस दौरान पुलिस पे पथराव भी किया गया। इन तस्वीरों में देखें कि जिस तरह से लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण का दर बढ़ रहा है और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि कहीं भीड़ नहीं लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और उसको दरकिनार करते हुए महायज्ञ चल रहा था, पुलिस महायज्ञ को बंद करवा दी थी राज्य सरकार के निर्देश को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना है, इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। फिर जब पुलिस ने महायज्ञ को बंद करवा दिया, उसके बाद पुलिस के फैसले, राज्य सरकार के फैसले को दरकिनार करते हुए मेले का आयोजन किया गया। और जब पुलिस वहां पहुंची मेले को बंद करवाने को लेकर, तो ग्रामीणों ने पहले पुलिस पर पथराव किया और खदेड़ कर वहां से पुलिस को भगा दिया, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण का दर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति के चेहरे पे न तो मास्क दिख रहा है और न ही लोगों में कोरोना का खौफ है, न सोशल डिस्टेंसिंग। लोग भीड़ इकट्ठा करके मेले में पहुंचे हैं, हालांकि किसी के चेहरे पे मास्क तक नहीं है। जब पुलिस उनको भगाने पहुंची तो इस दौरान वो लोग पुलिस से ही उलझ पड़े। पुलिस उनकी सुरक्षा को देखते हुए मेले हटाने का को लेकर यहाँ पहुंची थी, लेकिन उल्टे में पुलिस को ये भारी पड़ गया और इस दौरान लोगों ने पुलिस पे पथराव कर दिया। ये पे रहो।